चल, खुली लाइन चल, जरूरत जब स्कॉट को शस्त्र कॉट करना और या बड़ी परेडों में वीआईपी को निरीक्षण कराना हो तो खुली लाइन की कार्रवाई की जाती है। गिनती और बयान से नमूना, जब सावधान पोजीशन से वर्ड ऑफ कमांड मिलते है गिनती से चलना खुली लाइन चल, एक जो इस वर्ड ऑफ कमांड पर बाएं पांव 6 इंच उठाते हुए 30 इंच आगे दबाएं और बोले एक इस पोजीशन में देखने वाली बातें, बाएं पांव 30 इंच आगे पूरी लगा हुआ, दाहिने पांव का पंजा जमीन पर एड़ी उठा हुआ, दोनों टांगे इसी हुए, बाकी पोजीशन सावधान। जब वर्ड ऑफ कमांड मिलती है स्कॉट दो तो दाहिने पांव को 6 इंच उठाएं, उठाते हुए 15 इंच आगे ले और बाएं पांव को तेजी से उठाते हुए दाहिने पांव के साथ सावधान पोजीशन में मिलाएं और स्कॉट करें। दो इस पोजीशन में देखने की बात, पहले वाली जगह से 45 इंच का फासला तय किया हुआ और पोजीशन सावधान। निकट लाइन चल, जरूरत जब निरीक्षण हो जाता है तो मार्च करने से पहले निकट लाइन की कार्रवाई की जाती है। गिनती और बयान से नमूना, जब सावधान पोजीशन से वर्ड ऑफ कमांड मिलती है गिनती से चलना निकट लाइन चल, एक तो इस वर्ड ऑफ कमांड पर बाएं पांव 6 इंच उठाते हुए 3 इंच पीछे बाएं और बोले एक इस पोजीशन में देखने वाली बातें, बाएं पांव 30 इंच पीछे पूरी लगा हुआ, दाहिने पांव एक एड़ी लगी हुई और पंजा खड़ा हुआ, दोनों टांगे इसी कसी हुई, बाकी पोजीशन सावधान। जब वर्ड ऑफ कमांड मिलती है स्कॉट दो तो दाहिने पांव को 6 इंच उठाते हुए बाएं पांव से 15 इंच पीछे ले और बाएं पांव को तेजी से उठाते हुए दाहिने पांव के साथ सावधान पोजीशन में मिला और स्कॉट करे। तो इसी पोजीशन में देखने की बातें, पहले वाली जगह से 45 इंच का फासला तय किया हुआ और पोजीशन सावधान। इसी को अभ्यास देखे, खुली लाइन।